वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। जैसे कि आपको मेरे पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है, आज हम एक लाइव ट्रिप करने वाले हैं। आपको बताऊंगा कि यूके में एक ट्रक ड्राइवर की लाइफ कैसी होती है, एक ट्रक ड्राइवर की आवरली पे कितनी होती है, अगर आप भी कुछ ऐसा ट्रक चलाना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, लाइसेंस कैसे पास करना है, आपको क्या एक ट्रक ड्राइवर का स्पॉन्सरशिप वीज़ा मिल सकता है या नहीं। मेरे चाचा जी हैं जो आपको पीछे देख रहे होंगे, वो एज अ ड्राइवर कितने साल लग गए उनको यहाँ तक पहुँचते, तो इन सब चीज़ों के बारे में ये वीडियो रहने वाली है गाइस। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। एंड एक और चीज़ हम आज करने वाले हैं, एक लाइव ट्रिप आपको करके दिखाऊंगा। अभी आपको दिख रहा होगा कि अभी तक अच्छे से सनराइज़ भी नहीं हुआ है, बिकॉज द टाइम राइट नाउ इज़ अराउंड 6, तो 12 से 14 घंटे का ट्रिप रहने वाला है। इस वक्त मैं हूँ बर्मिंघम में एंड आज हम जाने वाले हैं नॉर्थहैम्पटन। तो एक अमेज़न की डिलीवरी करेंगे, आपको ईच एंड एवरीथिंग दिखाएंगे कि एक बेसिकली मतलब यूके के ट्रक ड्राइवर की लाइफ कैसे होती है। तो अभी शुरू करते हैं जल्दी, क्योंकि आज हम ऑलरेडी लेट हैं एंड ट्रक में बैठ के सारा इंटीरियर वगैरह हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं गाइस। बिफोर दैट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो अभी चलते हैं। सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं अभी नॉर्थहैम्पटन एंड यहाँ पे आने के लिए हमको अराउंड लगे हैं 1 hour and 45 minutes। यहाँ पे अभी हमारा ट्रक होने वाला है लोड, इसके बाद हम आगे व्लॉग में आपको बताएंगे कि कहाँ पे हमें जाने वाला है। वहाँ रही हमारी सुपरवाइजर जो कि अभी यहाँ पे हमें बताएगी कि कौन से बे में हमें ट्रक पार्क करना है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बे 1, 2, 3, 4 up to 10 एंड नाउ द वेरी डिफिकल्ट टास्क, ऐसे ट्रक को बैक करके वहाँ पे लगाना है। सो दिस इज द मेन थिंग, इस चीज के पैसे मिलते हैं यहाँ पे। सो गाइज, अभी मैं आपको यहाँ पे शो करने वाला हूँ द होल इंटीरियर ऑफ द ट्रक एंड इस वक्त मैं बैठा हूँ यहाँ पे पैसेंजर सीट में, जो कि लेफ्ट साइड में होती है एंड ये राइट साइड ऑफ द व्हीकल है। तो यहाँ पे राइट हैंड ड्राइव ही चलती है, जिनके यहाँ पे बहुत क्वेश्चंस होके कि मतलब किस साइड ड्राइविंग चलती है, तो मैं आपको बता दूँ हमारे इंडिया पाकिस्तान में जैसी ड्राइविंग है यहाँ पे सेम वैसी की वैसी ही ड्राइविंग है। यहाँ पे डैशबोर्ड में काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, उस चीज के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक यहाँ पे वीडियो आ रही होगी, वो आप जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में यहाँ पे बता रखा है, क्योंकि फिर ना वीडियो यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, मैं चाहता नहीं हूँ कि मतलब इतनी ज्यादा लंबी हो जाए। यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे पूरी एक पैसेंजर की सीट है, ऊपर भी यहाँ पे जो को पैसेंजर है यानी कि मतलब मेरे जैसे लोग यहाँ पे ऊपर जाके भी सो सकते हैं। वो आपको जो यूनिट दिख रहा है ना, वो वाला यहाँ पे हीटिंग सिस्टम है, मतलब यहाँ पे फुल्ली जब ठंड रहती है लाइक माइनस में चल जाता है टेम्परेचर, तो यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो जो भी आपका मतलब कंफर्टेबल टेम्परेचर है उस टाइप की। यहाँ पे जो सीट्स हैं वो भी सारी एकदम यू नो सस्पेंशन वाली सीट्स हैं। सो गाइज, मैं आ चुका हूँ अभी इस ट्रक के बाहर एंड मीनवाइल हमारा ट्रक लोड हो रहा है। तो चलो हम इस ट्रक की सारी स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। तो ये जो ट्रक की हाइट है ना, दैट इज अराउंड 14 feet 6 inches एंड यस, यहाँ पे ट्रक लोड हो रहा है, अंडर सारा जो वेट है अभी लोड हो रहा है, तो ट्रक पूरा हिल रहा है एंड लिटरली ये जो व्हील है यहाँ पे आपको दिखेगा कि इट्स लाइक इट्स गोइंग डाउन, क्योंकि वेट आ रहा है ना इस ट्रक पे। तो चलो ये देख लेते हैं कि कितने व्हील्स हैं। तो यहाँ पे 1, 2 ये वाले डबल व्हील्स हैं, नहीं सिंगल है ये वाला भी, 3, 4 ये वाले डबल हैं, 5, 6, 7, 8 ओके, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो 14 व्हीलर्स का ये पूरा ट्रक है एंड इसकी लेंथ में अभी आपको स्क्रीन पे चाचा जी को पूछ के बता देता हूँ, मुझे पता नहीं है। सो गाइज, यहाँ पे भी एक ट्रेलर यूनिट खड़ा है एंड ये हमारा ट्रेलर यूनिट है। इन दोनों में से आपको डिफरेंस क्या है कमेंट करके बताना। चलो मैं आपको बता देता हूँ, इस ट्रेलर की जो लेंथ है दैट इज समवेयर अराउंड 45 to 50 feet एंड एक डिफरेंस है, इसके 3 axle आपको दिख रहे हैं, 1, 2, 3 इसके सिर्फ 2 है। ये वाला ज़्यादा सेफ होता है, पलटता नहीं है, क्योंकि इसके 3 axle हैं, इसमें पलटने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो ये जो ब्लू वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, सो दिस इज द ट्रेलर यूनिट एंड ये वाला है हॉर्स, यहाँ पे ये जॉइन होता है, मतलब आपको दिखा देता हूँ संवेद है, ये एक मैग्नेटिक चीज रहती है एंड ये जो आपको सारी वायर्स दिख रही है ये लाइक ब्रेक फ्लूइड हो गया एंड जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह रहती है ना कि मतलब इंडिकेटर्स वगैरह जलते हैं, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ता है। तो आपको ये चीज दिख रही है ना, उसमें आगे से पीछे से ज्वाइन करते हैं हमारा हॉर्स एंड उसके बाद आपको वो दिख रहा है, वहाँ पे आप सारी कनेक्शंस वगैरह कर सकते हो एंड ये यहाँ पे एक फ्यूल टैंक है जो कि उस साइड भी आपको देखने को मिल जाएगा एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यार हीटिंग यूनिट वगैरह सारी चीज़ रहती है एंड ये चीज़ आपको दिख रही है, दिस इज़ द कैमरा, मतलब आप अंदर देख सकते हो। हालांकि यहाँ पे आपको मिरर्स भी देखने को मिल जाएंगे, 1, 2, 3, 4 मिरर्स हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे कैमरा भी है एंड स्कानिया का ट्रक है, दिस इज़ द ब्रांड लोगो। सो गाइज, यहाँ पे अभी 15-20 मिनट्स और हमें वेट करना पड़ेगा एंड इसके साथ साथ वीडियो में बने रहना, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताने वाला हूँ।
मतलब कि बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, और इससे ज़्यादा मतलब क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हो आप वेयर हाउस में आए हो। एंड मैं आपको वही बोल रहा था कि एंड ऑफ द वीडियो आपको बताऊंगा कि ड्राइवर की यहाँ पे कितनी पे होती है आवरली, एंड आप आगे आगे मतलब और इससे ज़्यादा भी पे आप बढ़वा सकते हो, वो कैसे कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप कैसे ले सकते हो, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहना इस वीडियो में, एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल, क्योंकि यार मैं आया हूँ लंदन से बर्मिंघम, एंड मेहनत लगती है, टाइम लगता है, अपनी जॉब से छुट्टी वुट्टी लेके आया हूँ, तो इतना तो इन रिटर्न यू गाइस कैन डू। तो अभी यहाँ से मैं बोल रहा था 15-20 मिनट्स के बाद हम जाएंगे कहीं और, वो मैं आपको बता देता हूँ मीनवाइल, एंड देखते हैं कैसा जाता है हमारा दिन। चलो अभी चलते हैं ऊपर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है। सो गाइस, वी हैव गॉट द पेपर वर्क, एंड हम यहाँ पे निकल चुके हैं, एंड अभी हमें ट्रक को अनलोड करना है, एंड जहाँ पे हम जाने वाले हैं द नेम ऑफ द प्लेस इज बालबरो, वेयर हाउस का नाम है मैन फॉर अमेजोन, ऑब्वियसली अमेजोन की ये डिलीवरी है, एंड अराउंड 90 मील्स की ये जॉब रहने वाली है, मतलब पूरा एक ट्रिप। एंड वहाँ पे अनलोड करने तक का एक यहाँ पे अमेजोन हमें लिमिटेड टाइम देती है कि इतने टाइम तक हमें यहाँ पे पहुँचना है, तो वो है 1 बजे दोपहर के, एंड राइट नाउ हमने 6 बजे जॉब शुरू की थी, आपको मैंने बताया था टाइम इज 8:42, तो बहुत टाइम है हमारे पास यहाँ पे 90 मील्स, तो अराउंड 2 आवर्स 30 मिनट्स में हम कवर इजीली कर जाएंगे, अराउंड 10:30 तक मतलब पहुंचने वाले हैं वहाँ पे। बाकी आज का मौसम भी लकीली अच्छा है, लास्ट 2-3 दिनों से तो यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो रही थी, एंड सामने का आपको यहाँ पे व्यू दिख रहा होगा। सो गाइज, वी हैव ऑलमोस्ट रीच द डेस्टिनेशन, यहाँ से 10-20 मिनट्स के डिस्टेंस पे होगी, नॉट इवन 10-20 मिनट्स, 5 मिनट्स डिस्टेंस पे होगी, एंड मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ यहाँ पे एग्जैक्ट 10:33। अब जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे जो मतलब हमारा फाइनल लिमिटेड टाइम में हमको यहाँ पे पहुँचना था वो दोपहर के 1 बजे का था, एंड अभी इट्स लाइक 10:30 सुबह के, तो अब क्या है मतलब इस चीज़ का क्या मतलब है, अभी हम चाहते तो वहीं पे पीछे वेट कर सकते थे, बट व्हाट वी विल डू कि हम यहाँ पे आके फटाफट अनलोड कर देंगे, अगर वो फैसिलिटी मिलती है हमें, वो देखना पड़ेगा क्योंकि वी आर जस्ट अबाउट टू एंटर द अमेज़न प्राइम वेयर हाउस, तो यहाँ पे देखते हैं अगर हमें मिल जाता है तो अभी क्या करना है, यहाँ पे वी विल मेक द डे मोर प्रोडक्टिव, यहाँ पे अर्निंग्स थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, दूसरी जॉब ढूंढेंगे हम। ये लगा हुआ है, सारे बंदे अपने हिंदी हैं यहाँ पे, हिंदी बोलते हैं। अभी जाके वी विल हैव टू गिव ऑल द डिटेल्स जो कि फोन में ऑलरेडी है। सैड न्यूज गाइज, हम वहाँ पे गए, चेक इन किया, बट सिंस वहाँ पे टाइमिंग थी हमारी 1 बजे की, तो अभी हमको वहीं से वापस भेज दिया गया, एंड वो रहा वेयर हाउस, वहाँ से हम यू नो यहाँ से टर्न अराउंड करके हमने यहाँ पे अभी ट्रक पूरा पार्क कर दिया है, एंड यहाँ पे वी आर गोइंग टू वेट फॉर लाइक मे बी 2 आवर्स, 12:30, 1 बजे तक फिर से वी हैव टू एंटर। अभी मैं तो लास्ट 1 घंटे आराम से सोया, एंड वी आर अगेन एट द सेम पॉइंट जहाँ से हमको फिर से वापस भेजा गया था, एंड वो रहा वो बंदा, देखो पता नहीं क्या चेक कर रहा है। ड्राइवर्स लाउंज, सो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं फिर से बैक इन द ट्रक, आई मीन बैक इन द ट्रक केबिन, एंड हमने यहाँ पे अराउंड वेट किया ड्राइवर्स लाउंज में फॉर लाइक 2 आवर्स, क्योंकि आई डोंट नो यहाँ पे अनलोडिंग के लिए इन्होंने थोड़ा सा टाइम ले लिया, एंड मेरे चाचा जी गए हैं कुछ फाइनल फॉर्मेलिटीज करने, जैसे कि आपने देख लिया यहाँ पे कुछ पेपर वर्क वगैरह रहता है, एंड आई डोंट थिंक सो इसके बाद कुछ जॉब होगी, बट लेट्स जस्ट ट्राई, यहाँ से बाहर निकलते हैं। सर्विसेज में यार वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट डोमिनोज पिज्जा, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली है नहीं, तो देखते हैं आगे कोई सर्विस में रुक के इफ वी कैन गेट समथिंग, बट या द फ्यूलिंग इज डन, एंड यहाँ से वी आर जस्ट अराउंड 1 आवर 20 मिनट्स, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे अपने घर में। वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताए थे उनका आंसर दे देता हूँ। नंबर 1, UK में एक ट्रक ड्राइवर की पे कितनी होती है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो आपने यहाँ पे यू नो अभी अभी लाइसेंस पास किया है, एंड आपको सिर्फ 1 साल हुआ है ट्रक चलाते हुए, या तो
हुआ ही नहीं, मतलब आज ही किया है एंड कल आपको जॉब पे जाना है, तो आपको गाइस एक दिन के यहाँ पे 150 से 200 पाउंड मिल सकते हैं। क्या आप यहाँ पे यूके ट्रक ड्राइवर का स्पॉन्सरशिप वीजा लेकर आ सकते हो? तो गाइस देखो, यहाँ पे ट्रिकी है थोड़ा सा, कहना रॉन्ग हो जाएगा कि स्पॉन्सरशिप वीजा नहीं मिलता है, वीजा मिलता है, आपको स्पॉन्सरशिप यहाँ पे मिल जाएगी, बट 3, 4, 5 साल की यहाँ पे नहीं मिलती है, वो 1 साल की मिलती है। एंड 1 साल में वो जो स्पॉन्सरशिप का कॉस्ट होता है ना, वो होती है अराउंड 15,000 to 20,000 pounds। आपको हर साल यहाँ पे रिन्यू करना पड़ेगा वो स्पॉन्सरशिप वीजा, जिसके लिए आपको अगेन 15,000 to 20,000 यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे। उन लोगों के लिए वाली जो जॉब है ट्रक ड्राइवर की, वो बेस्ट है जो यहाँ पे एज ए डिपेंडेंट आ रहे हैं। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन कि आपको यहाँ पे लाइसेंस कैसे पास करना है, ठीक है? आपको लाइसेंस कैसे मिलेगा? आपको यहाँ पे कार का लाइसेंस पास करना पड़ेगा। अब कार का लाइसेंस कैसे पास करना है, उस चीज़ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उस चीज़ के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, अभी यहाँ पे आ रही होगी, वो आप देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग का प्रोसेस बताया, ठीक है? एक बार आपने कार का लाइसेंस बना लिया है, उसके बाद आप ट्रक की थ्योरी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करोगे, जैसे कि आपने कार के लिए किया था, ठीक है? अब वो करने के बाद आप थ्योरी टेस्ट पास करोगे, उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट दोगे ट्रक का। वहाँ पे क्लास 1, क्लास 2 ट्रक्स होते हैं, तो मतलब डिफरेंट टाइप्स के ट्रक होते हैं, वो चीज़ भी एक होती है। वंस यू हैव पास योर टेस्ट, आपका फिर से लाइसेंस जाता है DVLA के पास एंड आपको क्लास 1 का लाइसेंस बन के आ जाता है। एंड उसके बाद डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सी जॉब कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। कुछ कुछ ड्राइवर यहाँ पे 250 से 300 pounds भी कमा रहे हैं, जो कि रॉयल मेल जैसी कंपनीज बड़ी बड़ी हो गई, कुछ यहाँ पे ब्रिटिशर्स कंपनी है, उनके साथ अगर आप काम करोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कम मिलें, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ज़्यादा मिले, डिपेंड्स ऑन द डिमांड। इसके अलावा गाइज, अगर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, कोई चीज़ मैंने यहाँ पे छोड़ दी हो, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, यहाँ पे भी आ रहा होगा, तो इस पे जाके आप मुझे फॉलो करो एंड वहाँ पे जाके मुझे टेक्स्ट करो। अगर कोई डाउट है तो वी कैन हैव अ गुड चैट अबाउट इट, बिकॉज देर आर सम थिंग्स ना पब्लिक में पूछ नहीं सकते, समझ रहे हो, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो आप वहाँ पे मुझे टेक्स्ट करो, वी कैन हैव अ गुड चैट अबाउट इट। सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं एक गाड़ी से निकल के दूसरी गाड़ी में, इसको यहाँ से हटाएंगे ताकि ट्रक को यहाँ पे पार्क कर सकें। एंड आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो गाइज, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। एंड मेक श्योर करना गाइज कि इस वीडियो को आप लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देयर वी गो।